दोस्तों, अगर आप अपने टेक्निकल स्किल्स को विंडोज सर्वर 2019, विंडोज सर्वर 2012, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग और एक्सचेंज सर्वर 2016 में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग एड्रेस लिस्ट से किसी भी यूजर का ईमेल एड्रेस कैसे हाइड करते हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ये एड्रेस लिस्ट होता क्या है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि हम लोग फॉर्म के अंदर कॉन्टैक्ट लिस्ट यूज करते हैं, जिसमें हमारे सभी फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स के फोन नंबर्स अवेलेबल होते हैं, और अगर हम लोग कभी भी किसी भी फ्रेंड या किसी भी रिलेटिव को कॉल करना चाहते हैं, तो हम लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट के द्वारा ही उन यूजर्स का या उन फ्रेंड्स का हम लोग फोन नंबर यूज करते हैं और उन्हें हम लोग कॉल करते हैं। तो जिस तरह दोस्तों हम लोग फोन के अंदर कॉन्टैक्ट लिस्ट यूज करते हैं किसी भी फ्रेंड को कॉल करने के लिए, इसी तरह दोस्तों एक्सचेंज सर्वर 2016 में जितने भी यूजर्स का मेलबॉक्स होता है, या एक्सचेंज सर्वर के अंदर हम लोग जिस भी यूजर का मेलबॉक्स क्रिएट करते हैं, उस मेलबॉक्स को या उस यूजर को मेल करने के लिए हमारे एक्सचेंज सर्वर के अंदर ही एक एड्रेस लिस्ट क्रिएट होती है। एड्रेस लिस्ट के अंदर सभी यूजर्स का मेल एड्रेस स्टोर होता है या सेव होता है, ताकि कोई भी यूजर अगर किसी भी अनदर यूजर को मेल सेंड करना चाहता है, तो उस एड्रेस लिस्ट के द्वारा वो उस यूजर का मेल एड्रेस यूज कर सकता है मेल कंपोज करने के लिए। अब ये एड्रेस लिस्ट हम लोग यूज कैसे करते हैं, इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए मैं यहां पर एक वर्चुअल मशीन यूज कर रहा हूं। और यहां पर अगर दोस्तों मैं यहां पर आपको शो करूं, मैंने इस मशीन पर एक्सचेंज एडमिन सेंटर के द्वारा अपना एक्सचेंज सर्वर एक्सेस किया हुआ है। के साथ साथ आप यहां पर देख भी सकते हैं कि एक्सचेंज एडमिन सेंटर में मैंने कुछ यूजर्स का मेलबॉक्स क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर प्रीत, सनी और विशु। ये कुछ ऐसे यूजर्स हैं जिनका मैंने मेलबॉक्स क्रिएट किया हुआ है, और यहां पर आप देख भी सकते हैं कि किस यूजर का क्या ईमेल एड्रेस अवेलेबल है। तो दोस्तों, यूजर्स नेम और ईमेल एड्रेस को लेकर हमारा एक्सचेंज सर्वर जो है एक एड्रेस लिस्ट तैयार करता है, ताकि कोई भी यूजर उस एड्रेस लिस्ट के द्वारा मेल कंपोज कर सके, सेंड और रिसीव कर सके, ताकि किसी भी यूजर का मेल एड्रेस आपको याद ना रखना पड़े। तो उसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, तो मैंने यहीं पर एक अनदर टैब के अंदर ओवा एक्सेस किया हुआ है, और ओवा के अंदर ही मैं एडमिनिस्ट्रेटर का ही मेलबॉक्स एक्सेस करता हूं और आपको एड्रेस लिस्ट शो करता हूं, या एड्रेस लिस्ट कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर का मेलबॉक्स एक्सेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखिए जरा, यहां पर मैंने एडमिनिस्ट्रेटर का मेलबॉक्स एक्सेस किया। अब एड्रेस लिस्ट कैसे यूज करेगा ये? मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटर जो है एक मेल कंपोज करता है किसी भी यूजर के लिए, तो मान लीजिए आप प्रीत यूजर को या सनी यूजर को मेल सेंड करना चाहते हैं। अब प्रीत यूजर का या फिर सनी यूजर का या किसी अनदर यूजर का मेल एड्रेस क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, जिसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर उस पर्टिकुलर यूजर को मेल सेंड कर सके। अब या तो आपको हर एक यूजर का मेल एड्रेस याद रखना पड़ेगा, या फिर दोस्तों आप क्या करेंगे, सिंपली एड्रेस लिस्ट यूज करेंगे। एड्रेस लिस्ट को यूज करने के लिए आप ये जो टू का ऑप्शन आया हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे, और यहां पर आपको ये एरो का सिंबल दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए, और यहां पर दोस्तों ऑल यूजर्स ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए। अब आपके एक्सचेंज सर्वर पर जिन जिन यूजर्स के मेलबॉक्स क्रिएट किए गए हैं,
उनकी पूरी लिस्ट आपको यहां पर दिखाई दे रही है। जिस भी यूजर को आप सेलेक्ट करेंगे यहीं पर उसका ईमेल एड्रेस भी आपको दिखाई देगा। दोस्तों ये जो आपको डिस्प्ले हो रहा है ये हमारी एड्रेस लिस्ट है जिसके अंदर सभी यूजर्स के मेल एड्रेसेस अवेलेबल है। अब जिसको भी आप मेल सेंड करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटर विशु को ही मेल सेंड करना चाहता है, तो डबल क्लिक कीजिएगा। तो यहां पर देखिए जैसे आप डबल क्लिक करेंगे उसका एड्रेस यहां पर आपको शो हो जाएगा या ऐड हो जाएगा और सेव पर क्लिक कर दीजिए और यहां पर भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम लोग एड्रेस लिस्ट के द्वारा किसी भी यूजर का मेलबॉक्स एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों अगर आप किसी भी यूजर का मेल एड्रेस इस कॉन्टेक्ट लिस्ट से या फिर एड्रेस लिस्ट से हाइड करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, तो मैं अभी के लिए इसको कैंसिल करता हूं, डिस्कार्ड करता हूं। अब वापस आप एक्सचेंज एडमिन सेंटर पर आइएगा। अब अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो मान लीजिए आप विश्व यूजर का ही ईमेल एड्रेस हाइड करना चाहते हैं एड्रेस लिस्ट से, तो आप मेल बॉक्स को सिलेक्ट कीजिएगा और यहां पर देखिए एडिट का ऑप्शन आया हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहां पर आपको मेल एड्रेस, एक सेकेंड जरा ये देखिए, जरा जनरल टैब में ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहां पर ऑप्शन आया हुआ है हाइड फ्रॉम एड्रेस लिस्ट, यानी कि एड्रेस लिस्ट में जो विशु यूजर का मेल एड्रेस दिया हुआ है ईमेल एड्रेस वो हाइड कर दिया जाए। अगर दोस्तों आप यहां पर चेक मार्क करते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं तो विशु यूजर का जो ईमेल एड्रेस है वो अब आपको एड्रेस लिस्ट में शो नहीं होगा। उसको वेरीफाई करने के लिए अगेन आप एडमिनिस्ट्रेटर के मेलबॉक्स को एक्सेस कीजिए या किसी भी यूजर के मेलबॉक्स को एक्सेस कीजिएगा न्यू मेल कंपोज करने के लिए और टू पे क्लिक कीजिए ताकि आप एड्रेस लिस्ट चेक कर सके। देन इस एरो पे क्लिक कीजिएगा ऑल यूजर्स और अब आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि इस एड्रेस लिस्ट में विशु यूजर का जो ईमेल एड्रेस है वो आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग एक्सचेंज सर्वर 2016 में किसी भी यूजर का ईमेल एड्रेस एड्रेस लिस्ट से हाइड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने टेक्निकल स्किल्स को विंडोज सर्वर 2019, विंडोज सर्वर 2012, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग और एक्सचेंज सर्वर 2016 में अपग्रेड करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।